चाही बस के बहंगी लचपती जा आने वाले मैया की। इस सुभाष भाई के लिए हम गोपालगंज में एक बार आप सबसे आशीर्वाद मांग के आज गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में काफी भीड़ भाड़ रहा। चुनाव के रैलियों के लेकर गोपालगंज में आज बीजेपी व राजद ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता की वोट की अपील की। वहीं बात करें बीजेपी की तो आज गोपालगंज शहर के रोड शो आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित दिल्ली से माननीय सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल, पूर्व मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद व पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक श्री मिथिलेश कुमार तिवारी, गोपालगंज के लोकप्रिय MLC राजीव कुमार जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। वही बात करें रोड शो जनसभा की तो आज दिल्ली के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी का 12:30 बजे गोपालगंज शहर में रोड शो हुआ और 4 बजे होमगार्ड के मैदान में जनसभा का संबोधित किया। गोपालगंज विधानसभा की समस्त जनता व कुसुम देवी को वोट देने की अपील किए। रोड शो के समय काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, गीत गाकर मनोज को लुभाने की कोशिश किए। वहीं नीचे से कुसुम देवी जिंदाबाद सुभाष सिंह अमर रहे जैसे नारे लगते दिखे। पूरा गोपालगंज भाजपा मय हो गया था और चुनाव बिहार में अक्सरवाद व पलटी मारने की राजनीति को बंद करने तक कहा गया। वहीं मिथिलेश तिवारी ने भाजपा के वोटरों को खूब लुभाया। जंगल राज याद दिलाते हुए भाजपाइये से एक साथ राजद को हलाने का संकल्प लिया। वहीं दूसरी बात करें गोपालगंज में आज राजद के कैंडिडेट श्री मोहन गुप्ता के पक्ष में बिहार के उप मुख्यमंत्री गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन के पक्ष में जनता से वोट की अपील करने पहुँचे। राम रतन शाही उच्च विद्यालय में पहुँचे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी आज विधानसभा क्षेत्र के बिशुनपुरा पंचायत महागठबंधन के पक्ष में जनता की वोट करने की अपील करने पहुँचे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, लोकप्रिय सांसद गोपालगंज आलोक कुमार सुमन व पूर्व विधायक मंजीत सिंह, जो हजारों की संख्या में जनसभा को संबोधित किए। सभा में उमड़ा जनसैलाब गोपालगंज शहर के गली गली में दिखा राजद का रैली। कसम देवी जी के लिए कह रहा हूँ, खुश मौरा बनी हो कहरिया तलवा घाट चढ़ूंगा। छठ मैया के पूजा के दौरान छठ के पूजा के बाद 3 तारीख को चुनाव भी आएगा। एक प्रकार से देखिए तो छठ का अवसर 2 दिन है। गोपालगंज के लिए को अपने हृदय में समेटे हुए एक संवैधानिक व्यवस्था में सड़कों पे है और हमारे स्वर्गीय सुभाष सिंह जी की धर्म पत्नी हम सब की हमारे लिए तो भावी समान है। कुसुम देवी जी आप सबके बीच में प्रत्याशी के रूप में खड़ा बाड़ी। हम मनोज तिवारी आप सब लोगों से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के इनको आशीर्वाद दे दीजिए। प्रेम से बोलिए थाने वाली मैया की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय कुसुम देवी जी के साथ ये मंच पे खड़ा बानी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हमें दोबारा गोपालगंज में आना पड़ेगा। हम इस दिन की कल्पना भी नहीं किए थे कि जिस सुभाष भाई के लिए हम गोपालगंज में एक बार आप सबसे आशीर्वाद मांग के जाएंगे और 5 साल के अंदर ही दोबारा
हमें उस गोपालगंज में हाथ जोड़ करके आना पड़ेगा। हमने ये नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन होनी कौन टाल सकते। गाड़ी पे मिथिलेश तिवारी जी खड़ा बानी। हम आप सब लोगों के आज तो हम नरेंद्र मोदी मनोज तिवारी धन से समर्थन कीजिएगा। 3 तारीख को 2 नंबर पे बटन दबा के कुसुम जी को विजयी बनाइए। यही अनुरोध करने मनोज तिवारी जी आए हैं और एक बार जोरदार बोलिए भारत। किशोर प्रसाद जी भी आपके गाड़ी पे खड़े हैं।